यूपी के दो लड़कों की जोड़ी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। इस बार दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया था। लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसका पूरा श्रेय यूपी के इन दोनों लड़कों की जोड़ी को ही गया था। लेकिन अब सूत्रों से खबर आ रही है कि इन दोनों लड़कों की जोड़ी में दरार पड़ती दिखाई दे सकती है। कारण है उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव और हरियाणा में विधानसभा चुनाव। दरअसल कांग्रेस हरियाणा में बड़ी पार्टी है तो वहीं सपा उत्तर प्रदेश में। वहीं अब कांग्रेस यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव में सीटों की मांग करती नजर आ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात का पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हम दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर दरार बन रहा है उपचुनाव में फूलपुर सीट। क्या फूलपुर सीट अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फूलपुर सीट की मांग कर रही है और फूलपुर सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ शुरुआत से मानी गई है। 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने इस सीट से भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी और अब समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में कांग्रेस को ये सीट देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ा दाव चला है और दाव चला है हरियाणा में। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर दी है। 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होने जा रहे हैं और 4 अक्टूबर को परिणाम आएगा और कांग्रेस ने अभी तक ऐलान नहीं करा है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी यहां पर सीटों की मांग कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी यहां पर जिक्र तक नहीं छेड़ा है। हालांकि कांग्रेस की 5 दिनों के लिए दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी चल रही है जिसमें तमाम इन बातों पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार होंगे हरियाणा में, उनके नामों पर चर्चा चल रही है। अब ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कांग्रेस हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती है। क्योंकि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन नहीं करती है, अखिलेश यादव की मांगों को पूरा नहीं करती है, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो पहचान एक बार फिर से बनाती नजर आ रही है, उस पहचान को खोती नजर आएगी। और ये गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार को गिराने के लिए, ये गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा और इसकी शुरुआत कर देंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उनकी तारीखों का ऐलान देखिए अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी और यहाँ पर बीजेपी ने भी। अब ऐसे में कांग्रेस को अभी ये नहीं पता लगा कि भाई किन सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, लेकिन हरियाणा में वो गठबंधन नहीं है। अब ऐसे में अखिलेश यादव शांत नहीं बैठेंगे और अखिलेश यादव यहाँ पर कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं और शायद इन दोनों लड़कों की जो जोड़ी थी, जो जोड़ी लोकसभा चुनाव में जमकर उभर कर सामने आई थी, ये जोड़ी शायद टूटती हुई दिखाई दे।